स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडी लोन ऐप से। अगर आप सभी पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो इसका अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है, अगर आप सभी को पैसे की ज़रूरत है तो ये एप्लीकेशन आप सभी को मिनिमम 10,000 से लेकर के मैक्सिमम 15 लाख रुपये तक का लोन जो कि प्रोवाइड कर देता है। तो इस एप्लीकेशन से अगर आप सभी लोन के लिए परेशान हैं तो ट्राई कर सकते हैं। 10,000 से लेकर के 15 लाख रुपए तक का आप सभी को इंस्टेंट लोन जो कि प्रोवाइड कर देती है ये एप्लीकेशन। तो अगर आप सभी लोन के लिए ज़्यादा ही परेशान हैं तो इस एप्लीकेशन के अंदर ट्राई कर सकते हैं। तो कैसे आप सभी को लोन के लिए अप्लाई करना है वो सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बताते हैं कैसे आप सभी लोन के लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, तो आप सभी प्ले स्टोर के ऊपर आकर के सर्च करेंगे, बॉडी लोन लिख करके सर्च करेंगे तो इस एप्लीकेशन का लोगो कुछ इस प्रकार से है। इसी एप्लीकेशन को आप सभी को इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। मेरा यहाँ पे जब तक इंस्टॉल हो रहा है जब तक मैं आप सभी को अबाउट फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। सो गाइस, तो इस एप्लीकेशन से आप सभी को मिनिमम 10,000 से लेकर के मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। वहीं लोन रीपेमेंट समय की बात करें तो 6 मंथ से लेकर के 5 ईयर्स का आप सभी को यहाँ पे समय मिल जाता है, यानी 5 सालों के लिए मिल जाता है। तो जिस हिसाब से आप सभी का अमाउंट होगा, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। मान लीजिए कि अगर आप सभी 12 मंथ के लिए यानी 1 ईयर के लिए अगर आप सभी यहाँ पे लेते हैं तो 13% आप सभी को इंटरेस्ट रेट लगाए जाएंगे। लाइन सेटअप फीस हो जाएगा 499 रुपए प्लस GST 588 रुपए और उसके बाद आप सभी का मंथली EMI बनेगा 8,932 रुपए। आप सभी का टोटल इंटरेस्ट आएगा 7,181 रुपए। टोटल पेमेंट करना होगा आप सभी को यहाँ पे 110,129 रुपए। ये कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आप सभी यहाँ पे 1,00,000 रुपए का लोन अप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा। दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है RBI से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है एंड NBFC पार्टनरशिप है, तो इसके अंदर आप सभी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। तो चलिए मैं आप सभी को अप्लाई का प्रोसेस बताता हूँ। सो गाइस, तो मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएगा। यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आप इनके साथ लिंक करना चाहे वो मोबाइल नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और करने के बाद दोस्तों अब आप सभी को क्या करना है, आप सभी के मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जो ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरीफाई कर लेगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है अभी। उसके बाद गाइज आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएगा। यहाँ पे आप सभी को योर टोटल बॉडी कैश दिख जाएगा, आप सभी का यहाँ पे स्कोर भी दिख जाए। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे 10,000 से लेकर के यहाँ देखेंगे तो 15 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे जो कि मिल सकता है। तो इसमें जितना मर्जी उतना का अमाउंट आप सभी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, मिनिमम 10,000 है तो मैं 10,000 रुपये यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ इस बटन वाले पे क्लिक करेंगे और करने के बाद गाइस यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को अपना पैन नंबर यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि मेरा पैन नंबर आप सभी देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है, तो आप सभी अपना पैन नंबर डालेंगे, उससे फिर से इस बटन वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सभी लोन टेनर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सभी को 12 मंथ से ज़्यादा के लिए लोन चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 मंथ है मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे आप सभी को 60 मंथ दिख रहा है। तो अपने हिसाब से यहाँ पे आप सभी मंथ सेलेक्ट कर लेंगे तो मैं 12 मंथ ही रहने देता हूँ। उसके बाद फिर से इस ब्लू वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप सभी को यहाँ पे एक ईमेल आईडी जो कि फिल करना होता है, तो मेरा ईमेल आईडी आप सभी देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी पहले से फिल किया हुआ है। आप सभी अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद फिर से इस बटन वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। करने के बाद दोस्तों अब आप सभी को यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है। अगर आप सभी कहीं पे जॉब करते हैं तो आप सभी को यहाँ सैलरी वाले पे क्लिक करना है। कहीं पे जॉब करते हैं यानी कि इनकम मिलता है, अकाउंट में सैलरी आता है, तो सैलरी वाले में क्लिक करेंगे। या फिर आप सभी का कोई खुद का बिजनेस है, कहीं पे दुकान किए हुए हैं, तो आप सभी सेल्फ एम्प्लॉयड वाले पे क्लिक करेंगे। इसके लिए इस ब्लू वाले बटन पे आप सभी को क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे मंथ दिया हुआ है, ईयर्स दिया हुआ है कि आप कितने दिनों से ये दुकान किए हुए हैं, वो चीज़ आप सभी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अपने हिसाब से जितना पुराना होगा उस हिसाब से यहाँ पे आप सभी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से इस बटन वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे अब आप सभी को सिलेक्ट बिजनेस टाइप जो कि सिलेक्ट कर लेना है कि किस चीज़ का दुकान है, कैसा दुकान है, वो टाइप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा गाइज यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि पहले से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा हूँ, ऑटोमोबाइल्स में यहाँ पे मैं टिक कर रखा हूँ। अगर आप सभी का यहाँ से कोई दूसरा होगा तो वो भी यहाँ पे आप सभी डाल सकते हैं। जैसे कि कई सारे कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, फाइनेंस है, पर्सनल लोन है, या फिर जो आपका होगा इसमें आप सभी अपने हिसाब से रिटेलर है, ऑटोमोबाइल है,
मतलब कि जैसा आप सभी का यहाँ पे बिजनेस है उस हिसाब से अपना यहाँ पे जो कि सिलेक्ट आप सभी कर लेंगे। और करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी क्या करेंगे, अपना जो भी दुकान का नाम है, शॉप का जो भी नाम है कंपनी ने, वो यहाँ पे आप सभी डाल लेंगे। जैसे कि मेरा आप सभी यहाँ पे देखेंगे डाला हुआ है। उसके बाद इस बटन वाले पे फिर से आप सभी को क्लिक करना है। तो आप सभी जो भी यहाँ पे डिटेल डालेंगे बिल्कुल सही सही आप सभी यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे, जैसे कि मैं आप सभी को बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। उसके बाद आप सभी यहाँ पे क्या करेंगे, आप सभी देखेंगे कि मेरा एड्रेस यहाँ पे डाला हुआ है। तो आप सभी को इंटर कंपनी एड्रेस यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे आप सभी का शॉप है वही एड्रेस आप सभी यहाँ पे डालेंगे। तो सबसे पहले एरिया पिन कोड यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद सिटी आप सभी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट, जिस राज्य में आप सभी रहते हैं, सबसे नीचे आप सभी को राज्य जो कि सेलेक्ट करना होता है। करने के बाद दोस्तों फिर से आप सभी को यहाँ इस बटन वाले पे क्लिक कर लेना है। चलिए मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। करने के बाद दोस्तों अब आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, नाम फिल करना है। तो जो नाम आप सभी के पैन कार्ड के ऊपर है वही नेम आप सभी बिल्कुल सही सही नाम यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे कि फर्स्ट नेम आप सभी ऊपर वाले में फिल करेंगे एंड लास्ट नेम्स आप सभी नीचे वाले में फिल करेंगे। करने के बाद फिर से आप सभी को यहाँ पे इस ब्लू वाले बटन पे टिक कर लेना है। तो चलिए मैं इस वाले पे टिक कर लेता हूँ, मेरा पहले से डिटेल्स यहाँ पे फिल है। और करने के बाद दोस्तों अब आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, डेस्टिनेशन यहाँ पे फिल करना है, इंटर करेंट डेस्टिनेशन यहाँ पे आप सभी को फिल करना है। करने के बाद दोस्तों फिर से आप सभी को यहाँ पे इस बटन वाले पे आप सभी को क्लिक कर लेना है। करने के बाद दोस्तों अब आप सभी को इनकम क्या है वो यहाँ पे डालेंगे, एग्रोस एनुअल सेल्स इनकम, यानी कि एक सालों में आपका टर्नओवर क्या होता है वो आप सभी यहाँ पे डाल लेंगे। और डालने के बाद फिर से इस बटन वाले पे आप सभी क्लिक कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने मेरा सब कुछ यहाँ पे पहले से मैं डाल रखा हूँ, फिर से इस बटन वाले पे क्लिक करते हैं। और उसके बाद दोस्तों अब आप सभी को यहाँ पे क्या डालना है, अब आप सभी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इंटर योर मंथली प्रॉफिट, यानी कि आप सभी को एक मंथ में कितना का प्रॉफिट हो जाता है बिजनेस से, वो चीज़ आप सभी यहाँ पे डाल लेंगे। तो मेरा देख सकते हैं 20,000 रुपये मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ। उसके बाद आप सभी फिर से इस बटन वाले पे क्लिक कर लेंगे। खुद का कहीं पे दुकान है, यानी कि खुद का जगह है, आप रेंट पे नहीं लिए हुए हैं, खुद का जगह है उसमें ही दुकान किए हुए हैं, तो यहाँ सेल्फ ओनर वाले में करेंगे। अगर आप सभी कहीं पे पार्टनरशिप है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सभी का जो दुकान है वो रेंट पे है तो यहाँ रेंट वाले पे क्लिक कर लेंगे। तो मेरा खुद का है, इस बार ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। तो सारा डाटा आप सभी यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर लेंगे तो लास्ट में आप सभी को यहाँ सबमिट वाले में क्लिक करना है। लोन जो है रिक्वेस्ट के लिए आप सभी सबमिट वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप सभी का लोन रिक्वेस्ट में चला जाएगा। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे लोन जो कि प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो काफ़ी मस्त एप्लीकेशन है, अगर आप सभी लोन के लिए ज़्यादा ही परेशान है तो इस तरीके से यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट अभी नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले कई एप्लीकेशन से लोन ले चुका हूँ। तो अदरवाइज अगर आप सभी को मान लीजिए यहाँ पे लोन नहीं मिल पाता है तो दोस्तों मैं 20 ऐसे ही RBI रजिस्टर्ड एप्लीकेशन जहाँ से मैं खुद लोन ले चुका हूँ, तो अगर आप सभी को बाई दे पे किसी कारण बस यहाँ पे लोन नहीं मिल पाया तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और आप सभी देखेंगे कि RBI 20 लोन ऐप लिखा हुआ, उसके जस्ट नीचे आप सभी को एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सभी को 20 ऐसे ही RBI रजिस्टर्ड एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो दोस्तों जैसे ही आप सभी उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सभी को 20 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। वो इसलिए दोस्तों कि मैं 20 एप्लीकेशन से लोन लिया जिसमें मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देना पड़ा, इसलिए मैं 20 रुपये का कॉस्ट रखा हूँ। अगर आप सभी को यहाँ पे मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल पाया तो आप सभी उन लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, हो सके आप सभी को उस एप्लीकेशन से लोन मिल जाए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे, अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही कोई न्यू वीडियो में।